देश में चर्चा है कि बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी है क्या, आइए जानते हैं। साथियों, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह होगी, जहां एडमिशन होगा, स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, कॉलेज भी एफिलिएट हो सकते हैं, लेकिन वहां आपको जाना नहीं है। आप वर्चुअल मोड में स्टडी करेंगे, ऑनलाइन मोड में स्टडी करेंगे, आपका रजिस्टर, अटेंडेंस, वो सब ऑनलाइन होगा। जिस तरीके से आप ईमेल बनाते हैं, आपका लॉगिन क्रिएट होता है, उस तरीके से आपका लॉगिन क्रिएट होगा, आपके अटेंडेंस क्रिएट होंगी, आपकी कितनी आपने स्टडी करी, कितने एग्जाम दिए, कितनी प्रेजेंटेशन दी, उन सबका चिट्ठा उस लॉगिन में रहेगा। इसके अलावा आपके एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे, उसके बाद डिग्री भी ऑनलाइन सबमिट होगी। जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यूनिवर्सिटी कानून से बनती है, तो कानून के तहत जो यूनिवर्सिटी बनेगी उन पर बैकिंग रहेगी, उनकी डिग्री की बिल्कुल ऐसे ही मान्यता होगी जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी है। अब फिर फर्क क्या, आपको भारत में, भारत के किस हिस्से में रह रहे हैं, विदेश चले गए हैं, श्रीलंका रह रहे हैं, न्यूजीलैंड रह रहे हैं, आप कहीं से भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलग कायदे कानून बनेंगे। इसके बाद आपका हर काम ऑनलाइन होगा, फिर चाहे फीस डिपॉजिट, फिर चाहे डिग्री का लेना, एग्जाम देना, ये सारी चीजें ऑनलाइन रहेंगी। आज कोविड के बाद जिस तरीके से हमारे वर्चुअल स्टडीज हुई हैं, स्कूल कॉलेज जिस तरीके से ऑनलाइन चले हैं, हमारी कोर्ट ऑनलाइन हुई है, हमारी मीटिंग्स, आर्बिट्रेशन, ये सब ऑनलाइन रही है, बिल्कुल इसी तरीके से टीचर्स आपके कंप्यूटर पे आके आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे देंगे। आपका सिलेबस ऑनलाइन डिस्कस होगा, आप वर्चुअल क्लासरूम भी ज्वाइन करेंगे, विज-अ-विज आप इंडिविजुअली पढ़ पाएंगे, आपके डाउट्स होंगे आप ग्रुप में डालेंगे, आप ऑनलाइन डालेंगे, आपके जवाब आएंगे, एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी आ सकते हैं। तो इन समरी, एजुकेशन बाय वर्चुअल मोड एंड इट शुड बी ए थ्रू ए फॉर्मल पैटर्न, तो ये बन जाती है डिजिटल यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ।